आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। पाकिस्तान में एक हजरत है यूट्यूबर आजाद चाय वाला। ये अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहते हैं और इनका टारगेट ये है कि इन्होंने $1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में बनाने हैं। और ये आईटी को और बहुत सी चीजों को काफी जो है वो क्या करने की कोशिश करते रहते हैं, प्रमोट करने की कोशिश करते रहते हैं। ये इनका चैनल है। इस चैनल पे एक वीडियो बड़ी खतरनाक जो है वो आई है, वो ये वाली वीडियो है जिसको 78,000 लोग देख चुके हैं 3 दिन पहले। अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी मत भेजो, ठीक है, अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी ना भेजो। और इस वीडियो में इस हजरत ने बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो कि आउटराइट अबहरेंट है, इंतहाई शर्मनाक हैं, और ये दिखाती हैं कि इस शख्स की जो सोच है वो इंतहाई सतही है, उसमें डेप्थ नहीं है। और ये एक खास लेंस के थ्रू दुनिया को देखता है, ना सिर्फ देखता बल्कि उसको अपने बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करना जानता है। इस हजरत का एक इंस्टीट्यूट है जो कि आज़ाद चाय वाला .com के नाम से है, जहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है कि ये मुख्तलिफ लोगों को शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो कराते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर आप ये देखें तो ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, YouTube वीडियो एडिटिंग, पाइथन का कोर्स है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। वेब डेवलपमेंट का 4 महीने का कोर्स 1,49,000 रुपये का कराया जा रहा है, जो कि खासा महंगा है। एडवांस कंप्यूटर, फिर डिजिटल मार्केटिंग, इन सब के कोर्सेज हैं। और अगर हम यहाँ पे पाइथन का कोर्स देखें तो इसके अंदर हमें ये भी दिखाई देता है, ये एक लड़के की वीडियो है जिसके अंदर ये कहा गया 4 महीने में बना मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज़ाद चाय वाला इंस्टीट्यूट से। ये हजरत 4 साल की यूनिवर्सिटी एजुकेशन को टारगेट कर रहे हैं। और ये फिर ये दूसरी तरफ, मैंने अपना कैरियर 4 माह में आज़ाद चाय वाला इंस्टीट्यूट में बनाया, ठीक है। इस तरह फिर अगर हम ये देखें डिजिटल मार्केटिंग में, फिर काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इधर ये कहा कि जी मैंने अपना बिजनेस की ग्रोथ के लिए डिजिटल मार्केटिंग यहाँ सीखी। फिर इस तरह से वेब डेवलपमेंट का कोर्स जो है उसके अंदर भी मैंने पढ़ा बहुत कुछ लेकिन सीखा यहाँ से, यानी यूनिवर्सिटी को गलत कहना और इस चीज़ को सही कहना, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे। फिर अगर आप ये देखें स्टूडेंट्स ले आओ पैसे ले जाओ, यानी अगर आप यहाँ पे ये देखें, मैं आपको ये यहाँ पे दिखाता हूँ, स्टूडेंट्स ले आओ पैसे ले जाओ, यानी ये क्या करते हैं हजरत के, अगर आप इनके पास को स्टूडेंट्स ले के जाएँ तो ये आपको कमीशन भी दे देते हैं। फिर इस तरह से यहाँ पे यूट्यूब वीडियो एडिटिंग के लिए, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आज़ाद चाय वाला इंस्टीट्यूट ने मुझे नौकरी के काबिल बनाया। और एक लड़की की यहाँ पे जो है वो पूरी वीडियो भी दिखाई गई है जिसके अंदर वो आके कहती है कि जो है ना कि क्या सारे का सारा सिलसिला है। तो हम अब मगर ये देखना चाहेंगे कि इन हजरत ने अपनी इस वीडियो में जिसका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ उसमें असल में क्या किया, ऐसा क्या कह दिया है जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो इंतहाई टॉक्सिक वीडियो है। तो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा या आप देख सकते हैं, खुद ढूंढ सकते हैं YouTube के ऊपर। मगर मैं जो आपको बात बताऊंगा वो ये है कि इस वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें की गई हैं जो कि इंतहाई मज़ाहका खेज और इंतहाई सतही सोच, बल्कि चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ना होते हुए, बल्कि एक दूसरी चीज़ है कि शायद हजरत ये चाहते हैं कि लोग मेरे इंस्टीट्यूट आएँ और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में पैसे अपने ना दें जाके, क्योंकि जाहिर बात है कि इन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला, मुझे नहीं पता कि अब इंस्टीट्यूट कैसा चल रहा है, अच्छा शायद नहीं चल रहा, और इनके लिए खासी मुश्किलात हो रही हैं और इनको नज़र आ रहा है कि लोग तो मिलियंस ऑफ रुपीज़ यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए खर्चते हैं, तो ये मेरे पास आके क्यों नहीं खर्चते। यूट्यूब सक्सेस तो इनकी ज़रूर है, मगर अगली बात यह है कि ये यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ इतना बात क्यों करते हैं। तो फिर असल में जो वीडियो इन्होंने बनाई है वो वीडियो बड़ी ख़तरनाक है। वो इसलिए ख़तरनाक है कि उसके अंदर ये कहा गया कि अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी ना भेजें। इस वीडियो के अंदर जो जो बातें इन्होंने की हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लड़कियों के यूनिवर्सिटी जाने को टारगेट करने से इस हजरत का अपना क्या फ़ायदा है और ये क्या गोल्स उसके थ्रू अचीव करना चाह रहे हैं, ये मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा और पूरे तरीके से एक्सपोज यहाँ पर मैं आपके सामने इनको करूँगा। और ये भी आपको दिखाऊँगा कि ये बड़ी ही एक पैथेटिक सी अटैम्प्ट है, बल्कि ये दिखाई दे रहा है कि चीप टैक्टिक्स हैं इंतहाई किस्म की, ठीक है। तो चले हम इनको देखते हैं ज़रा और फिर हम मतलब जो है ना इनकी बात पूरी की पूरी करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अपनी बेटी को तालीम दिलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे YouTube पर जाके सर्च करें, पार्टी वहाँ पर सर्च करें, गाला वहाँ पर सर्च करें, मुशायरा वहाँ पर सर्च करें, डेटिंग सीन उस यूनिवर्सिटी का सर्च करें। फिर सारा कुछ सर्च करने के बाद आपको पता लगेगा कि वहाँ पर कैसी कैसी पार्टीज़ और क्या क्या बेहयाई उस यूनिवर्सिटी में होती है।
फिर इस हजरत ने आगे ये कहा कि लड़का लड़की, मैं इनके वर्ड्स कोट कर रहा हूं, लड़का लड़की आज के दौर में अगर डेट ना करें तो वो कोई खलाई मखलूक है। यानी एक तरफ ये कह रहे हैं कि बेटियों को अपनी बचाएं यूनिवर्सिटी से, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आज के लड़का लड़की अगर डेटिंग ना करें तो वो कोई खलाई मखलूक है। तो ये हजरत एक इंतहाई सख्त किस्म की स्टीरियोटाइपिंग, बहुत ही ब्लेटेंट किस्म की स्टीरियोटाइपिंग इन्होंने कर दी है यहाँ पे कि जी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में या वैसे हमारी सोसाइटी में सिर्फ डेटिंग ही चल रही है जी, और तो कुछ अब बचा नहीं है हमारी सोसाइटी में, है ही डेटिंग रह गई है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं बचा, कोई और चीज़ नहीं है। फिर अगली ही सांस में हजरत ने यह कह डाला कि यूनिवर्सिटी तो बगैरती का अड्डा है। मसला यह है कि ये बात याद रखें कि दुनिया में आज जो दुनिया को चला रहे हैं वो यूनिवर्सिटी एजुकेटेड लोग ही हैं जो चला रहे हैं दुनिया को। और ये बात याद रखेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, साइंटिफिक कंपनीज, सब कुछ, साइंटिफिक रिसर्च, कल्चरल, बहुत सी बातें, बहुत सी थिंक टैंक, सब यूनिवर्सिटी की पैदावार ही होते हैं। अगर आप ये देखें कि वेस्ट में भी अगर आप चले जाएं तो आप ये, आपको यही नज़र आएगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना वो आज़ाद चाय वाला के इंस्टीट्यूट से पैदा नहीं होते, स्टीवन हॉकिंग जो है ना वो आज़ाद चाय वाला के इंस्टीट्यूट से पैदा नहीं होते, नील्स बोर नहीं पैदा होते, वो यूनिवर्सिटी से ही पैदा होते हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ ने यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेशन लेवल को ख़राब किया है, पॉलिटिक्स की वजह से यूनिवर्सिटीज़ ख़राब हुई हैं, बजट के की कमी की वजह से अगर यूनिवर्सिटीज़ ख़राब हुई हैं, तो इसमें कसूर ना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का है और ना यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर का है। मैं आगे वो भी बात करूँगा कि कैसे सिस्टमेटिकली पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी एजुकेशन को तबाह किया गया है और इसके पीछे किस किस का हाथ है। मगर बात यह कि मुझे आज़ाद चाय वाला जैसे लोगों पर तरस आता है कि जो ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ पैसों कमाने के लिए हासिल की जाती है या फिर पैसों का ज़िया वो इसको समझ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके नज़र में तालीम की कोई जो है अहमियत नहीं है। फिर क्या कहता है इसके बाद, यूनिवर्सिटी एक पार्टी और हॉलीडे है बस आज के दौर में। यानी फिर एक बच्चे का कहता है कि एक बच्चा बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसने तो मुझे कहा हमारी यूनिवर्सिटी में तो पार्टी सीन भाई बहुत ऑन है, ठीक है। फिर आगे अगली बात क्या करता है कि बच्चे फहाशाना कल्चर को फॉलो करते हैं, यानी ऑब्सीन कल्चर जो वेस्ट का बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस की बात है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि आज कोई तरीका नहीं है कि आप अपने बच्चों को ग्लोबल कल्चर से बचा सकें। ग्लोबलाइजेशन सोशल मीडिया इंटरनेट के थ्रू आ रही है, और ये हजरत खुद भी अपने चैनल पे 99% ऑफ द टाइम हमेशा इंटरनेट के थ्रू पैसे कमाने के लड़कों और लड़कियों को तरीके बताते हैं। ये बात याद रखें कि कोई शख्स यूनिवर्सिटी ना भी जाए, आज डेटिंग का सीन भी इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू ही चलता है, और जो कल्चर बच्चे वेस्टर्न कल्चर या इंडियन कल्चर को फॉलो करने लग जाते हैं उसकी भी बहुत बड़ी वजह इंटरनेट और सोशल मीडिया ही है, ठीक है। तो फिर इस हजरत ने यूनिवर्सिटी की बच्चियों के लिए, यूनिवर्सिटी की एजुकेटेड लड़कियों के लिए इस कदर गलत और घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता। फिर इसने ये कहा कि मेरे सर्कल में जितने भी मिलियनेयर लोग हैं मैं उनको कहता हूं कि यूनिवर्सिटी की बच्चियों से दूर रहना। यानी ये हजरत इतने शॉर्ट साइटेड और इतने ज्यादा मिलाइंड है कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि यूनिवर्सिटी की हर लड़की खराब है, यूनिवर्सिटी की हर लड़की जानिया है, यूनिवर्सिटी की हर लड़की बड़ी गंदी है, फ्लाएं ढुमका है। ये सारी बातें इस आदमी ने अपनी उस वीडियो में बड़ी ही बेशर्मी, हठधर्मी और इंतहाई शॉर्ट साइटेडनेस, यानी मैं कहता हूँ बसीरत की भी कमी है हजरत में, इसलिए इंतहाई गलत और इंतहाई बाजारी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्सिटी की लड़कियों को निशाना बनाया। और पहले यूनिवर्सिटी की लड़कियों को निशाना बनाया करेक्टर असैसिनेशन के ज़रिए यूनिवर्सिटीज़ के माहौल को ख़राब कहने के बाद, फिर अपना जो चूरन है वो बेचना शुरू किया कि शॉर्ट कोर्सेज करें चाहे कहीं से भी करें, हाँ जी शॉर्ट कोर्सेज करें चाहे कहीं से भी करें, क्योंकि मैं भी एक शॉर्ट कोर्सेज का इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, क्योंकि इन जैसे हजरात जो हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे माशरे की दुखती राग क्या है, हमारे माशरे का सबसे बड़ा सोशल फोबिया क्या है, हमारे माशरे का सबसे बड़ा जो सोशल फोबिया वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ, वो गैरत है।
वो क्या है कि जी हमारी लड़कियां जो है वो शादी से पहले सेक्स कर लेंगी, हमारी लड़कियां यूनिवर्सिटी जाएंगी तो वो खराब हो जाएंगी, हमारी लड़कियां हमसे जुबान लड़ाने लगेंगी, हमारे हमारी मर्जी के मुताबिक शादी नहीं करेंगी, कोई यार बना लेंगी, अपनी मर्जी से शादी कर लेंगी। ये सारी बातें उस वीडियो में इसने ए टू जेड एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इसने यूज नहीं की। ठीक है, तो फिर ये क्या कहता है कि लड़कियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बारे में जो ये वर्ड इस्तेमाल करता है वो ये कहता है कि आप नंबर वन फंडर्स होते हो इस बेगैरती के। इस बंदे ने इस तरह के बाजारी अल्फाज इस्तेमाल करने से पाकिस्तान के सबसे रिस्पेक्टेड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके खिलाफ इस तरह के बाजारी लफ्ज इस्तेमाल करने की से बिल्कुल भी दरेग नहीं किया, बल्कि बार बार इस शख्स ने उस वीडियो में यही बाजारी अल्फाज बार बार रिपीट किए हैं। फिर ये क्या कहता है कि कोई सयाना आदमी इन लड़कियों से यानी यूनिवर्सिटी की लड़कियों से शादी नहीं करेगा। मतलब ये शख्स एक तरफ अपने इंस्टीट्यूट में खुद लड़कियों को पढ़ा रहा है मगर दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में लड़कियों का जाना इसे सख्त नापसंद है। और ये भी याद रखिए कि आज इस शख्स ने इंस्टीट्यूट खोला है, हो सकता है कि कल इसका इंस्टीट्यूट अच्छा चल जाए, यूट्यूब से भी अच्छे पैसे आ रहे हैं, बिजनेस भी ठीक चल रहा है। मुझे बिल्कुल हैरानगी नहीं होगी कि 10 साल बाद अगर आज़ाद चाय वाले का इंस्टीट्यूट खुद अच्छा चल रहा है तो ये खुद आज़ाद चाय वाला यूनिवर्सिटी बना के ना बैठा हो और उसमें खुद इसने जिसको ये बड़ा गंदा माहौल कह रहा है वो खुद पूरा माहौल प्रोवाइड किया हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। तो ये चीज़ें फिर जो है वो इस तरह का माहौल हमेशा ही मान जाता है क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले जो लोग होते हैं उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। हाई एंट्री के लड़के लड़कियाँ जब कहीं आते हैं तो वो फिर ज़ाहिर बात है कि उनके जहन खुले होते हैं, उनका एक्सपोजर भी ज़्यादा होता है, तो वहां पे वैसा ही माहौल बन जाता है जिसको ये गलत माहौल कह रहा है कि जो एक जिसको आप कहते हैं को एजुकेशन का जो सिस्टम होता है वहां पे स्टूडेंट्स आपस में घुलते मिलते हैं, अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ चलते हैं और जारी बात है किसी का रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, किसी का और भी हो सकता है, फिर वो तो बात की बातें हैं। मगर मसला यह कि जो चीज इसके बिजनेस स्फीयर से बाहर है या फिर जिस चीज को ये समझता है कि वो इससे ज्यादा पैसे कमा रही है उसके बारे में ये इस तरह की बातें करता है। ठीक है, फिर क्या कहता है, यूनिवर्सिटियों का माहौल, यानी इसने कहा है ना यूनिवर्सिटियों का माहौल बहुत खराब है, यूनिवर्सिटियों का माहौल उतना ही खराब या उतना ही ठीक है जितना हमारी ओवरऑल सोसाइटी का खराब है। और ये बात याद रखें कि हमारी सोसाइटी में इस्लामी मुनाफ़कत बहुत ज़्यादा है, जितनी इस्लामी मुनाफ़कत ज़्यादा है उतनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भी ज़्यादा है। और ये बात याद रखें कि सोसाइटी में जा बजा हमें वो सब चीज़ें नज़र आती हैं जो इनको सिर्फ यूनिवर्सिटी में दिखाई दे रही हैं। यही बातें जो इन्हें यूनिवर्सिटी में दिखाई दे रही हैं वो मदरसों में भी पाई जाती हैं। हजरत को बिल्कुल भी इस बात पे एतराज नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी इसलिए ना भेजें क्योंकि वहां वो जाएंगी तो वो खराब हो जाएंगी, उनके साथ ज्यादती हो जाएगी, उनके सेक्सुअल रिलेशन किसी से बन जाएंगे। मगर इस हजरत को फिर ये भी तो कहना चाहिए ना कि अपने बच्चों को मदरसे ना भेजें क्योंकि वहां पर मौलवी उनके साथ ज्यादती करेगा, ये भी इनको कहना चाहिए। मगर मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि ये असल में उन लोगों को टारगेट कर रहा है जिन लोगों के पास अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी भेजने के पैसे हैं, क्योंकि ये जानता कि मदरसा भेजने वाले लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो आके मेरा कोर्स बाय करेंगे, इसलिए ये उनके खिलाफ कभी भी बात नहीं करेगा क्योंकि वो इसकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। ठीक है, फिर ये क्या कहता है, फिर ये अपने मतलब की बात करता है उससे आगे। ठीक है, तो फिर ये कहता है अपने बच्चों को शॉर्ट ट्रैक एजुकेशन पे भेजें, अपने करीब कोई इंस्टीट्यूट देखें। तो जो मतलब की बात है वो हजरत के लबों पे आ जाती है। ये कह देते हैं यहाँ पे कि अपने बच्चों को क्या करें, अपने करीब ही किसी इंस्टीट्यूट में भेजें, उनको शॉर्ट ट्रैक एजुकेशन, उन्हें वेब डेवलपमेंट सिखाएं, उन्हें वीडियो एडिटिंग सिखाएं, उन्हें फ्रीलांसर बनाएं ताकि वो क्या करें जल्दी जल्दी पैसे कमाएं। ठीक है, ताकि ये भी जल्दी जल्दी पैसे कमाए, 4 महीने का किसी को शॉर्ट कोर्स कराए, ना कुछ सिखाए ना कुछ हो, और क्या कर दे 4 महीने के पैसे लेके परे करे और बच्चे को यूनिवर्सिटी ना जाने दिया जाए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जिस शख्स ने खुद ना ली हो वो ये नहीं समझ सकता, समझ भी सकते हैं, जो समझदार हो वो समझते हैं अच्छे तरीके से। मैं किसी को ये नहीं कहता कि जो खुद यूनिवर्सिटी ना गया वो नहीं समझ सकता कि यूनिवर्सिटी में क्या एजुकेशन दी जाती है। यूनिवर्सिटी में बच्चों को वर्क एथिक्स सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटी में बच्चों को एक सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी सिखाई जाती है कि उन्होंने अपने काम को कैसे करना है, इसके साथ साथ रिसर्च कैसे करनी है ये सिखाया जाता है, टेम्परामेंट बनाया जाता है, कंसिस्टेंसी सिखाई जाती है। और ये भी बात याद रखें
यूनिवर्सिटी में जो प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं, स्पेशली जब आप कोई अच्छे लेवल की डिग्री करते हैं तो आपको आखिरी एक साल में कम से कम कोई प्रोजेक्ट करना होता है। अगर आप आईटी में होते हैं तो आप तब भी एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट करते हैं, अगर आप कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो तब भी आप ज़बरदस्त तरीके का एक प्रोजेक्ट करते हैं, और वो स्टूडेंट के ऊपर होता है कि वो कैसा करेगा, प्रोफेसर्स के ऊपर होता है कि वो उसे कैसा कराएंगे। यूनिवर्सिटीज़ का एजुकेशन सिस्टम जितना आपने तबाह किया उतनी इन चीज़ों की क्वालिटी लो हो गई है। मगर ये भी याद रखें कि पाकिस्तान में आज भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं जो कि बहुत बेहतरीन लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं लोगों को, और उस एजुकेशन की बेस के ऊपर। ये तो कह रहा है ना कि इधर बैठ के हर कोई फ्रीलांसर बन जाए, मगर ये भी याद रखेंगे उसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बेस के ऊपर लोग एक्सपर्ट्स बनते हैं, वो पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में जाके काम करते हैं और पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंट नीडेड फॉरेन करेंसी जो है वो मिलती है उन लोगों के जरिए, और वो बाहर से फिर यूनिवर्सिटी एजुकेटेड लोग ही जब बाहर जाते हैं दूसरी दुनिया में काम करते हैं वही एक्सपीरियंस लेके वापस आते हैं और आके पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते भी हैं, बड़े बड़ी कंपनियों में भी काम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो सारे यूनिवर्सिटी एजुकेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो आज़ाद चाय वाला ने कहना तो ये है कि अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी मत भेजें, मगर ये कभी नहीं कहना कि अपने बेटों को यूनिवर्सिटी ना भेजें, क्योंकि अगर इनके ख्याल में यूनिवर्सिटी का की एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर सिर्फ लड़कियों के लिए ये बात क्यों कि लड़कियों को ना भेजें, फिर तो लड़कों को भी ना भेजें, बिल्कुल ना भेजें। यूनिवर्सिटियाँ ये कैंपेन चला देंगे, यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में बंद कर दें, क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ तो इस शख्स को अच्छे तरीके से इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एक कंट्री के अंदर क्या काम करते हैं, यहाँ तो इस शख्स को ये अंदाज़ा नहीं है। और अगर इसको अंदाज़ा है और ये बातें कर रहा है तो फिर ये याद रखें कि ये सिर्फ मकारी और मुनाफ़कत है, ये सिर्फ अपना मतलब और अपनी बात पूरा करना चाहता है। इन द एंड ये एक बिजनेसमैन है, ये भी याद रखिए कि गैरत जैसे झूठे कॉन्सेप्ट को ये जूती की नोक पे असल में रखते हैं, जो बिजनेस को समझते हैं लोग, जो एंटरप्रेन्योर ट्रू होते हैं वो जानते हैं कि गैरत सिर्फ एक झूठ है। ठीक है, तो फिर ये क्या कहते हैं जी, मैंने खुद YouTube पे 50 कोर्सेज डाले हुए हैं जो आपको डॉक्टर से ज्यादा कमाने का तरीका सिखा देते हैं। अब अगर एक शख्स ये समझे कि डॉक्टर सिर्फ इंसान इसलिए बनता है कि उसने कमाई करनी है, या डॉक्टर को भी वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में देखे पैसों में ही तोले, डॉक्टरी जैसे शोबे को भी, तो ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में अगर आप ये देखें कि डॉक्टर जिसने भी बनना है, डॉक्टर आज़ाद चाय वाला के इंस्टीट्यूट से नहीं बनेगा, डॉक्टर हमेशा किसी मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटीज से ही बनेगा, और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस पाकिस्तान में अच्छे मौजूद हैं जो कि टॉप क्लास के डॉक्टर्स पैदा करते हैं। मगर आज़ाद चाय वाला जो कि ये कहता है कि अपनी बेटियों को कभी यूनिवर्सिटी मत भेजना, पाकिस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं सबको एजुकेशन है, ठीक है, और अगर ये समझता है कि लड़कियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजना चाहिए तो ये तो इस बात के भी खिलाफ है कि लड़की को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। तो ये तो तालिबान वाली सोच है अक्रॉस द बॉर्डर, आज़ाद चाय वाला को पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान में होना चाहिए था, क्योंकि इसकी सोच जो है वो बिल्कुल तालिबान दहशत गर्दों जैसी है कि जो ये समझते हैं कि लड़कियों की एजुकेशन की जरूरत नहीं है। मगर दूसरी तरफ यही बात है कि हजरत अगर औरत पाकिस्तान की काबिल और समझदार औरत, इंटेलिजेंट लड़की अगर डॉक्टर नहीं बनेगी तो कल अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, मर्दों को दिखाओगे फिर जाके, ठीक है। हालांकि मैं तो इस बात को भी गलत नहीं समझता, डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर होता है, ठीक है, मगर आप जैसे गैरतमंद लोगों को ही फिर जो है ना इस बात के ऊपर आपके आंसू निकल रहे होते हैं कि हमारी औरत को मर्द चेक करेगा, ठीक है भाई। अगर औरत को आप यूनिवर्सिटी नहीं भेजना चाहते तो फिर इसका मतलब है कि डॉक्टर सिर्फ पाकिस्तान में मर्द ही रह जाएंगे, फिर डॉक्टर भी नहीं होगी फीमेल। तो बात यह है कि जितनी बातें ये बंदा कर रहा है वो टोटली एक बोग्स कीना और इम्प्रैक्टिकल सोच की बुनियाद पर कर रहा है, इस तरह की बात की असल में कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि डॉक्टर से ज़्यादा पैसे कमाना इसको इसका गोल है, ये समझता है कि वैसे पाकिस्तान में डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसे, अगर डॉक्टर से कम कोई ज़्यादा कमा रहा है तो डॉक्टर तो फिर किसी को बनना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ये बातें कर रहे हैं। फिर आगे जो इससे ज़्यादा एक जहालत की बात हजरत करते हैं वो ये है कि मैथ, स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन की डिग्री किसको चाहिए, एमए फलाना, बीए फलाना, एमए ढमकाना। भैया
ये समझता है कि मैथ स्टैटिस्टिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्रियां जो है वो फजूल है। इसको ये पता नहीं है कि मैथ तमाम साइंस, मैथमेटिक्स तमाम साइंसेस की माँ है। आज कोई दुनिया में यूनिवर्सिटी कोर्स ऐसा नहीं पढ़ाया जाता जिसके अंदर स्टैटिस्टिकल स्टैटिक्स का सब्जेक्ट ना पढ़ाया जाए, चाहे आप स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स कर रहे हैं या नहीं। और स्टैटिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज इसकी बेस पर चलती हैं। डाटा का एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक होता है, और ये कितना ज़रूरी है ये बात अगर ये शख्स नहीं समझता तो मेरे ख्याल में इस शख्स को तो फिर जाके जो FSC की या मैट्रिक की स्टैटिस्टिक्स है वो पढ़ के देखनी चाहिए, क्योंकि इस बेचारे के पास बेसिक लेवल का भी नॉलेज नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के बगैर दुनिया नहीं चल सकती, मैथमेटिक्स के बगैर दुनिया नहीं चल सकती, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाए बगैर भी दुनिया नहीं चल सकती। इंटरनेशनल रिलेशन वो सब्जेक्ट है जिसे दुनिया में डिप्लोमेट्स को पढ़ाया जाता है, ठीक है। और ये बात याद रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आज़ाद चाय वाला को एग्जांपल के तौर पे दे दिया जाए और ये समझा जाए कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट को बहुत ही फजूल सब्जेक्ट समझते हैं, तो फिर हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बात का अंदाज़ा हो जाएगा। इसीलिए इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ठुड्डे मार रहा है, नीचे लटा के तशरीफ पे ठुडे मार रहा है इंडिया, बिल्कुल सही मार रहा है। क्योंकि अगर आज़ाद चाय वाला पाकिस्तानियों का एक सैंपल है या इस जैसी सोच के लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट को बिल्कुल ज़ीरो समझते हैं, तो फिर पाकिस्तान को जो तशरीफ पे ठुडे पाड़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक पाड़ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों की सोच में एक साइंस की जो इंटरनेशनल रिलेशंस की साइंस है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए MA या मास्टर्स करने की कोई वैल्यू नहीं है। तो बात यह है कि एजुकेशन से अगर पैसे ना भी कमाए जाएं तो एजुकेशन से जो नॉलेज, एजुकेशन से जो इंसान की तरबियत होती है वो किसी चीज़ की, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस शख्स की नज़र में। अगर तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में कोई भी शख्स ये समझता है कि वो इस शख्स से कुछ सीख रहा है और ये शख्स जो है उसे रास्ता दिखाएगा, मैं आपको, मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि ये शख्स आपको सिर्फ एक गड्ढे में गिरा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक शोबदाबाज ही मुझे दिखाई दे रहा है, एक फ्रॉडस्टर कॉनमैन ही दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या इसने असल में किया, इसने जज्बाती गैरत जगाई है। शुरू इसने बात वहाँ से किया कि यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ जाती हैं, उनके साथ फ्लां होता है, वो बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, ये हो जाता है, ढमकाव हो जाता है, ढमकाव हो जाता है, वहाँ से बात शुरू की और आखिर पे अपने शॉर्ट कोर्सेज पे ले आया और मास्टर्स की डिग्रियाँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बुरा कहा, ठीक है। फिर ये कहता है पढ़ने में कुछ नहीं है, तालीम में कुछ नहीं है, लिटरली ये इस बंदे के अल्फाज हैं कि पढ़ने में और तालीम में कुछ नहीं है। कहता है अपने बच्चों को शॉर्ट कोर्सेज कराएंगे, फटाफट इनकी शादियां कर दें, ठीक है। फिर ये क्या कहता है कि एक छोटे से शहर की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके पास एक हॉस्पिटल है और उसके डॉक्टर ने मुझे बताया कि हर हफ्ते हमारे पास उस यूनिवर्सिटी से एक प्रेग्नेंट लड़की आती है जिसका हम अबॉर्शन करते हैं। मसला ये है कि ये इस तरह के लोग इतने डेंजरस हैं पाकिस्तान के लिए कि ये पहले से जहालत में डूबे हुए मुल्क के लोगों को मजीद फोबिया का शिकार कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी बेटियां यूनिवर्सिटी जाएंगी तो उनके सिर्फ अबॉर्शंस ही होंगे। भैया पाकिस्तान में क्या सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने वालियों के अबॉर्शन होते हैं? क्या पाकिस्तान में ही ये स्टैटिस्टिक्स पहले PTI की ही एक MNA ने हमें नहीं बताए थे कि पाकिस्तान में जिनके अबॉर्शन होते हैं उनमें से 80% अबॉर्शन उनके होते हैं जो कि अपने ही किसी करीबी रिश्तेदार से, बाप भाई नाना चाचा फूफा, उनसे प्रेग्नेंट होती हैं। ये स्टैटिस्टिक्स हमें PTI की ही फीमेल मेंबर ने बताए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये बातें हैं। फिर ये कहता है जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अबॉर्शन, भाई अबॉर्शन दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिधर आज के दौर में अबॉर्शन नहीं होता। अनवांटेड बच्चों का आउट ऑफ वेडलॉक प्रेगनेंसीज दुनिया में हर मुल्क में होता है। कई लोग उसे लीगल कर देते हैं, कई लोग उसे इलीगली रखते हैं। आप अबॉर्शन को चाहे इलीगल भी रखें तब भी अबॉर्शन ज़रूर होते हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कि अबॉर्शन को रोक सके, आज तक हमेशा से होते हैं और हमेशा होते रहेंगे। और ये याद रखिएगा आपके पास जो अफगानिस्तान है उधर भी आज भी हो रहे हैं, ये आप मत कहिएगा कि वहाँ नहीं हो रहे, ठीक है। तो फिर ये कहता है कि जी जब ये यूनिवर्सिटी वाली लड़कियों की शादी हो जाती है तो उसके बाद उसके खामन को फ़ोन आता है कि तूने मेरी महबूबा से शादी की है, मेरी तो वो यूनिवर्सिटी की महबूबा थी जिससे तूने शादी कर लिया है। तो इस तरह का फोबिया ये बंदा क्रिएट करता है। फिर ये कहता है कि
ये मैं यूके से आया हूँ यहाँ पे, मैं जानता हूँ कि गंदा माहौल क्या होता है, वहां पे बड़ा गंदा माहौल था, मैं तो आया ही वहां से हूँ। मसला ये है कि आप जैसे लोग जो है ना, जो कि कॉन मैन होते हैं, उनका गुजारा फिर उन जैसे मुल्कों में नहीं होता, वहां पे लोग उनको पकड़ लेते हैं, इसलिए आप जैसे लोग पाकिस्तानी आ जाते हैं हमेशा। ठीक है, फिर कहता है कि नाइट शो जो होते हैं पाकिस्तान में टीवी के ऊपर, जो टीवी चैनल्स नेशनल मीडिया पे आते हैं, उसमें ये पूछा जाता है लड़की से कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। फिर ये लानते भेजने लग जाता है कि टीवी पे ये बात पूछ रही है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये बात टीवी पर पूछी जा रही है। ठीक है, फिर ये क्या कहता है, आगे कहता है कि कॉलेज की तालीम, यूनिवर्सिटी की तालीम आपको डुबा बैठेगी। यानी ये कहता है, कहता है अब्बा जान, अबूज, अब्बा जीज, आप होश में आए, यूनिवर्सिटी की तालीम मत दें। यूनिवर्सिटी की लड़की, फिर कहता है कि यूनिवर्सिटी की लड़की अब्बा के मरने का इंतजार कर रही है ताकि वो यूनिवर्सिटी के लड़के से शादी कर दे, क्योंकि अब्बा नहीं होने देता शादी वहां पे। ठीक है, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इस्लाम में पसंद की शादी क्या मना है। मेरे ख्याल है ये बात तो जाके कोई तारिक जमील से भी पूछे कि कोई यूनिवर्सिटी की लड़की है, उसे अपना यूनिवर्सिटी का सात क्लास वाला पसंद आ गया, वो उसे शादी करना चाहता है, तारिक जमील भी ये नहीं कहेगा कि ये शादी जो है वो हराम है, वो कहेगा ठीक है। इंजीनियर के पास चले जाएं, वो भी नहीं कहेगा। हाँ, तारिक मसूद से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो, मगर बात यह है कि पसंद की शादी करना इस्लाम में हराम कब हो गया? ये भी जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो खुद सोचें कि ये शख्स जो चीज़, क्या हज़रत मोहम्मद ने, हज़रत आयशा, हज़रत खदीजा ने हज़रत मोहम्मद को रिश्ता नहीं भेजा था, क्या वो नहीं थी करना चाहती शादी? और उस बारे में तो हमारे पास तारीख की किताबों में यह भी लिखा कि हज़रत खदीजा ने अपने बाप को शराब पिलाई थी और तब बाप से रजामंदी ली थी शादी के लिए। तो भैया फिर आप उसको भी क्या कहेंगे? ठीक है, तो ये चीजें जो है, ये इस तरह की बातें करके सिर्फ ये साबित करना चाहता है कि भाई यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पे ना करें, शॉर्ट कोर्सेज करें और सब कुछ, मतलब जो है ना, सब अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर आगे एक और बात बहुत ही जाहिलाना और बेवकूफाना ये हजरत करते हैं, वो कहते हैं वो जमाना चला गया जब बच्ची का रिश्ता नहीं होगा अगर पढ़ी लिखी ना हो। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि आज की इस 21st सेंचुरी में, 2023 में, ये कह रहा है कि लड़कियों की को तालीम ना दो, ये कह रहा है कि रिश्ता फिर भी हो जाएगा। मतलब ये शख्स ये समझता नहीं है कि एक औरत के लिए तालीम क्यों जरूरी है। एक तरफ ये अपने इंस्टीट्यूट में लड़कियों को कोर्सेज करा रहा है, पैसे कमाने के तरीके बता रहा है, मगर दूसरी तरफ ये कहता है कि पढ़ी लिखी लड़की होना जरूरी नहीं है शादी के लिए। मगर एक बात याद रखें कि अगर लड़की शादी के बाद उसका खावंद मर जाता है, 3 बच्चे हैं, तो भाई वो खुद अगर पढ़ी लिखी होगी तो कमा के खाएगी। सबसे बड़ी रीजन औरत को पढ़ाने की, औरत को स्किलफुल बनाने की, दुनिया में हमेशा से यही रही है और आगे भी यही रहेगी कि पढ़ी लिखी औरत वक्त आने पे ना सिर्फ अपने बच्चों का बोझ उठा सकती है, अपने खामद का भी उठा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक कपल जो है वो शादी करे, आदमी जो है वो करोड़ों कमाता है और बीवी जो है वो बिल्कुल अनपढ़ है, और एक दिन क्या हो कि वही आदमी बेड रिडन हो जाए, किसी वजह से वो काम ही नहीं कर सकता, वो बिजनेस भी नहीं हैंडल कर सकता, वो टोटली बेड रिडन हो जाए। तो क्या उस औरत को, अगर उस बंदे का बिजनेस भी है तो संभालने के लिए एजुकेटेड होना उसका जरूरी नहीं है? क्या उस औरत को अपने बच्चों के लिए पैसे कमाना जरूरी नहीं है उस सिचुएशन में कि खामद मजदूर हो गया? और क्या उसको उस आदमी का सहारा बनने की जरूरत नहीं है? 100% है, मगर प्रॉब्लम यह है कि इन जैसे लोग आपको हमेशा सिक्के का एक रुख दिखाते हैं, तस्वीर का एक रुख दिखाते हैं, दूसरा रुख कभी भी नहीं आपको ये दिखाते। ठीक है, तो कहता है मैं यूके में देख के आया हूं, मैंने टेनेंट रखी होती थी जी, उसका क्या होता था जी, 6 बच्चे थे उसके और 6 बच्चों के डिफरेंट बाप थे। यानी एक बात सिंपल है कि अगर ये शख्स यूके में रह के आया है तो ये भी ये बात जानता है कि इन ये बातें वहां पे भी कोई बिल्कुल परफेक्टली कॉमन नहीं है। ठीक है, वहां पे भी लोग शादियां करते हैं, शादियां निभाते हैं, बच्चे पालते हैं, सब कुछ करते हैं। ये वहां का भी एक एक्सट्रीम केस है कि किसी औरत के 6 बच्चे और 6 के 6 डिफरेंट बापों से हों, ये वहां का भी एक्सट्रीम केस है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाते हैं। और फिर ये कहना कि पाकिस्तान में कह रहा हूं, फिर मैं पाकिस्तान में कल होता देख रहा हूं, ये भी बात सरासर झूठ है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये आपको
एक एक्सेप्शन की बेस पे जनरल रूल बना रहा है फॉर जिसे कहते हैं ग्रॉस जनरलाइजेशन, वो यहाँ पे कर रहा है कि जी ये चीज जो है ना ये आम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान की सोसाइटी अगर यूएस की सोसाइटी या यूरोप की सोसाइटी जितनी भी आगे सेक्सुअल फ्रीडम में चली जाए तो तब भी मेजॉरिटी ऑफ औरतें वही होंगी जिनके जिनके बच्चे एक शख्स से ही होंगे, कम ही होंगी जिनके मल्टीपल लोगों से होंगे, ठीक है, अगर वहां पे बात पहुंच भी जाए, क्योंकि उधर भी आज ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, पाकिस्तान में जॉब्स के पीछे बेटियों के साथ क्या हो रहा है उसकी बात करता है कि जी स्कैंडल, आप सिर्फ स्कैंडल वीडियो सर्च करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह औरतों को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है जॉब्स के लिए, ठीक है। तो फिर कहता है अब्बा जी कब जागेंगे, मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूँ, मैं लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनकी गैरत उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मसला ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे लड़कियों की तालीम के रास्ते में ऑलरेडी बहुत सी रुकावटें हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई जो थी वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए बात नहीं कर रही थी जो उसको गोली मारी गई थी, उसको गोली इसलिए मारी गई थी कि वो प्राइमरी स्कूल की बच्चियों के एजुकेशन की बात कर रही थी, उसको गोली मार दी गई। यूनिवर्सिटी की तालीम तो बहुत ही दूर की बात है ना, मलाला को तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल की एजुकेशन के लिए गोली मार दी गई थी। और दूसरी बात यह है कि ये बात याद रखें, गैरत का जो कॉन्सेप्ट है ना ये एक बहुत ही खोखला और झूठा कॉन्सेप्ट है, ये बात याद रखिएगा, गैरत का कॉन्सेप्ट एक झूठा और खोखला कॉन्सेप्ट है। ये बात याद रखें कि आपको और एक औरत को खुदा ने, अगर आप खुदा को भी मानते हैं, अकल बराबर है दोनों के अंदर, ठीक है। आपकी खोपड़ी में भी 3 बिलियन न्यूरॉन्स है, औरत की खोपड़ी में भी 3 बिलियन न्यूरॉन्स है। और अगर आप ये समझते हैं कि मर्द क्योंकि ज्यादा ताकतवर है इसलिए उसे छुट्टा सांड होना चाहिए और उसे अपने ऊपर बिल्कुल भी काबू नहीं पाना, औरत को छुप के रहना है, औरत ने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन नहीं लेनी, औरत ने डॉक्टर नहीं बनना, औरत ने गाड़ी नहीं चलानी, औरत ने कुछ नहीं करना, सब चीज़ों से अपने आप को छुपा के औरत ने रखना है, क्योंकि मर्द तो खूनी दरिंदे हैं, कहीं भी औरत देखेंगे तो ऑफिस में जाएगी तो उसका रेप करेंगे, यूनिवर्सिटी जाएगी तो उसको यूज़ करेंगे, हर चीज़ में आपने सिर्फ यही बना दिया। तो भैया मसला ये है कि असल प्रॉब्लम ये है कि जो इतना आप इस गैरत के हवे की वजह से और इस सारी दकियानुसी सोच की वजह से जो इतना ज़्यादा आप डरे हुए हैं, आज़ाद चाय वाला जैसे लोग डरे हुए हैं, उसकी वजह यह है कि हम एज ए सोसाइटी पाकिस्तान में औरतों को प्रोटेक्ट करने में प्रॉपरली फेल हो चुके हैं। और ये याद रखिएगा कि इस प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हमको बॉडीगार्ड बन के औरतों के सामने खड़े हो जाएं जी, औरतों को मतलब एक नाजुक सा बना दें और ये कहें, नहीं, औरतों की सबसे बेहतरीन प्रोटेक्शन ये होगी कि औरतों को एम्पावर किया जाए, क्योंकि जो शख्स कमज़ोर होता है ना उसके गिर्द गिर्द आप 200 भी सिक्योरिटी गार्ड लगा देना तो वो फिर भी उसको इस तरह की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, आयरन फेंसेस की उसको जरूरत होती है, आयरन शील्ड्स की उसको जरूरत होती है, बॉडीगार्ड्स की उसको जरूरत होती है। मगर ये बात याद रखें, जिस शख्स को आप खुद एम्पावर कर देते हैं उसको फिर इस तरह की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। बाकी दूसरी बात कि सेक्सुअल फ्रीडम को जब आप ये समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो ये बात याद रखें कि अगर आप ये समझते हैं कि ये इस्लामी सोच है, इस्लाम की सोच 1400 साल पुरानी थी, ये बात याद रखें। आज ये बात याद रखें कि दुनिया में जिन कंट्रीज में सेक्सुअल फ्रीडम है वो तो आपसे बहुत आगे, उधर तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आपसे बहुत आगे है, क्राइम रेट भी आपसे बहुत जो है वो कम है, और उन कंट्रीज में ना सिर्फ इकॉनमी अच्छी है, अमन अमान भी है, सब कुछ ठीक है। हाँ, बस आप ये सिर्फ समझ रहे हैं कि अगर औरत अपनी मर्जी से किसी मर्द के साथ कोई रिलेशन रख लिया तो वो बहुत बुरा है, क्योंकि आप इनसिक्योर लोग हैं, असल बात ये। क्योंकि ये बात याद रखेंगे, अगर मर्द को इजाज़त है कि वो अपनी मर्जी पूरी कर सकता है तो औरत में भी उतनी अकल है तो उसको भी होनी चाहिए फिर। हाँ, अगर मज़हब ये कहता है कि ये बात गलत है तो असल में आप मज़हब को रीअसेस करें ना कि मज़हब ऐसा क्यों कहता है। मज़हब आमतौर पर ऐसा इसलिए कहता है कि मज़हब मर्दों का बनाया हुआ है, मज़हब में औरतों की आज़ादी के ऊपर हर तरह की रुकावट लगाई गई है, चाहे वो इस्लाम का मज़हब हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, फलान हमकान जितने भी हैं, सब के अंदर यही प्रॉब्लम हमें बार बार दिखाई देता है। तो असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम तो सोच का है कि ये शख्स आज औरत की के से रिलेटेड इस सोसाइटी की इनसिक्योरिटीज़ को लेते हुए अपना उल्लू सीधा करना चाहता है जो ये कर रहे हैं, ठीक है। और इधर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यही करते हैं,
सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामी जो आज हर चीज को मुहैया किया जाए और उसके बाद औरतों के पांव में बेड़ियां डाली जाए। सेक्सुअल फ्रीडम, जो कि हम ये जानते हैं कि आज इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में वो चीजें होंगी, आप चाहे जो मर्जी करें आप उनसे रुकेंगे नहीं, मगर बजाय कि आप सोसाइटी को एजुकेट करें कि सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दिखानी है अगर आपके पास सेक्सुअल फ्रीडम है, वो आपने लोगों को एजुकेट नहीं करना कभी भी। आपने कभी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में नहीं बताना, एसटीडीज के बारे में नहीं बताना, कोई एजुकेशन आपने नहीं देनी, मगर फिर उन लोगों को ब्लेम करना है जो कि जिन्होंने फिर ये चीज़ें कर लेनी है, क्योंकि कर तो उन्होंने लेनी है। आज़ाद चाय वाला जितनी मर्जी चीखें मार ले, जो मर्जी कर ले, सोसाइटी जिस तरफ जा रही है वो एक ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड है, उसके सामने हर कोई हारने वाला। पाकिस्तान जैसा मुल्क आप जितना मर्जी इस्लाम का स्ट्रैंगल होल्ड उसके ऊपर स्ट्रांग रख लें, मगर ये याद रखिएगा कि अमीरों के लड़के वही काम करेंगे जिनसे आप डरे हुए हैं, और अमीरों की लड़कियां भी वही करेंगी जिनसे आप डरे हुए हैं, गरीबों के भी करेंगे। जिसको मौका मिलेगा वो कर लेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो नहीं करेगा। मसला यह है कि लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी चाहिए कि उन्होंने कैसे एक्ट करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का माहौल अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की यही कायदे यूनिवर्सिटी जो होती थी वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में 1960s और 70s में दुनिया में रही है, ठीक है। मगर ये बात याद रखिए कि 80s में जब जमीयत जैसी तंजीमें और बहुत सी पॉलिटिकल तंजीमें इस्लामी किस्म का जो लबादा ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को भी उड़ाया था, उसकी वजह से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों का स्टैंडर्ड इंतहाई गिरा। फिर इसके साथ साथ यूनिवर्सिटियों की फंडिंग को हर मौके के ऊपर कट किया गया। जिस टाइम मैं यूनिवर्सिटी में था, तकरीबन 2008 की बात है, उसी टाइम जरदारी की गवर्नमेंट ने जो था क्या किया था, यूनिवर्सिटीज़ के फंड्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक कट लगा दिया था, और उसकी वजह से फिर एक चीज़ सामने आई थी कि क्या हुआ था, उसके बाद यूनिवर्सिटी को बैचलर्स का प्रोग्राम शुरू करना पड़ा था। इससे पहले कादर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स से ऊपर ही सिर्फ एजुकेशन होती थी, बैचलर्स का प्रोग्राम इसलिए शुरू करना पड़ा क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं थे फंड्स पूरा करने के लिए, बैचलर्स के प्रोग्राम शुरू करने पड़ रहे थे। तो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों के पास फंड्स नहीं है। फिर ये बात याद रखें कि यूनिवर्सिटियों के माहौल को ख़राब करने में जमीयत जैसी तंजीमों का एक बहुत बड़ा हाथ है, मुल्ला प्रोफेसरों का बहुत बड़ा हाथ है। और इसके साथ साथ ये भी बात याद रखेंगे, आजकल तो यूनिवर्सिटियों का हाल ही है कि आए दिन इस्लामी सर्कुलर ही जारी होते रहते हैं और तालीम के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। प्रोफेसरों को भी आसान रास्ता मिल गया कि इतनी डेढ़ गिट की दाढ़ी रख लो और उसके बाद इस्लामी लेक्चर दो और इस्लाम का लबादा ओढ़ लो, डिपार्टमेंटों में नमाजें पढ़ाओ, और उसके बाद आप चाहे पढ़ाओ या ना पढ़ाओ किसी को, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आप एक मुल्ला प्रोफेसर हैं और मुल्ला प्रोफेसर को कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तो ये सारी सिचुएशन है यूनिवर्सिटीज़ का। अगर माहौल ख़राब है तो मैं उस माहौल को ख़राब समझूंगा जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपरली एजुकेशन नहीं दी जा रही, जो यूनिवर्सिटीज़ के फंड्स कम। अगर कोई ये कहे कि यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स आपस में घुलते मिलते हैं और कोई किसी तरह का फ्रीडम एक्सरसाइज कर लेता है तो उसके ऊपर आज़ाद चाय वाले को गुर्दे में पथरी हो जाती है, ये मसला ये है कि भैया आप चाहे इस पे ची करें, चाहे पी करें, चाहे चाँ चाँ करें, जो मर्जी कर लें, मसला ये है कि ये दुनिया की रविश है, दुनिया इधर ही जा रही, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत सी चीज़ें इससे समझ आई होंगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल की मेम्बरशिप भी खुली हैं, ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट से ये चैनल चलता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, आदाब। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।